नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि होली का पर्व बहुत करीब आ रहा है और इस वर्ष 2023 में होलिका दहन के पर्व को लेकर के बहुत से संशय या बहुत से कन्फ्यूजन्स जनमानस के मन में व्याप्त हो चुके हैं। कैलेंडर्स में कुछ डेट देने की वजह से, अखबार में कुछ अलग ही चीज़ आने की वजह से और पंचांग कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो आज का वीडियो है, मैं इसको बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को ये जानना होगा कि होलिका दहन के पर्व में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं या जिसको मानना होता है या जिस वजह से इस पर्व को मनाया जाता है। तो जो होलिका दहन का पर्व है, ये प्रदोष काल का पर्व है, सूर्यास्त के बाद रात्रि का पर्व है और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व होता है या कहा जाता है। अब अगर आप देखें 6 मार्च 2022 को पंचांग के अनुसार शाम को 4:17 से पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और ये पूर्णिमा तिथि अगले दिन 7 मार्च 2022 को शाम को 6:09 तक रहने वाली है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल दिन बड़े होने लगे हैं, तो जो सूर्यास्त का समय होगा 7 मार्च 2022 को, वो शाम को 6:36 के बाद से होगा और तब तक द्वितीय तिथि लग जाएगी, पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि होलिका दहन का जो पर्व है ये रात्रि का पर्व है, तो 6 मार्च 2022 को शाम को 4:09 के बाद से जो पूर्णिमा तिथि लग रही है, उसी दिन हमको होलिका दहन का जो पर्व है वो मनाना होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है समय की कि किस समय पर मनाया जाए। अगर मुहूर्त के हिसाब से हम देखते हैं तो उस दिन शाम को 6:38 से रात के 9:06 तक होलिका दहन के पर्व को मनाया जाना चाहिए और होलिका का दहन जो है वो 6 मार्च 2022 को शाम को 6:38 से रात के 9:06 तक करना ही श्रेष्ठ माना गया है। तो इसी जानकारी को देने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप स्क्रीन पर दिया हुआ है।